अक्षय भाई जी मेरे को पार्टी ऑन लाइट के सेट पे बोला ये है तो क्या लिखेगा इसमें, मैं शॉर्ट देके आता हूँ। तो मैंने चार लाइनें लिख दी। वो मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। और उसी दिन मेरे फादर बहुत तगड़े फैन हैं बच्चन साहब के, तो उन्होंने एक्सक्लूसिव अपने ऑटोग्राफ दिए, जो बहुत बड़ी कमाई है, बहुत बड़ी कमाई है। वो शेफ हर तरह का खाना बनाता है और हर तरह का खाना खाता है। मैं एक्चुअली मैं वर्ल्ड म्यूजिक सुनता हूँ, गजल हो, कवाली हो, अरबिक म्यूजिक हो, हिप हॉप हो, पॉप हो, सारा म्यूजिक सुनना चाहिए। वो आपकी मर्जी, आपने बनाना क्या है। लाइफ में कोई भी यो यो हनी सिंह ऐसे नॉर्मली बोल देना, मतलब इट इज अमेजिंग, बिकॉज यो यो हनी सिंह ऐसे आ जाता है अंदर से आवाज। हाउ आर यू फीलिंग? हेलो, वेलकम। ग्रेट, ग्रेट फीलिंग, अमेजिंग। मतलब ये ट्रू है ना? बिल्कुल सही बोला। ये पेटेड कंपोज्ड है, यो यो हनी सिंह। बट ये कहां से, कैसे कंपोज हुआ, पहले इसकी स्टोरी बता दो। कहानी ये है कि एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मैंने शुरू किया था चंडीगढ़ से काम, तो तब सिर्फ हनी सिंह नाम आता था सीडी के पीछे, और सीडी का दौर था, फोटो भी नहीं आती थी। हाँ। फिर धीरे धीरे जब मैंने गाने बनाने शुरू किए, तो मैं कहा चलो खुद गा के देखते हैं। तो जब खुद गाने का मौका मिला, ब्राउन रंग पहला सॉन्ग था मेरा जो सिंगल था सोलो, तो फिर तब यो हमने यो हनी सिंह कर दिया। फिर उसके बाद मैंने एक गाना जेजी बी पाजी के लिए किया था, तो इन दैट ही सैड यो यो हनी सिंह, सो आई केप्ट दैट ओनली। तब से सिलसिला अभी तक वही चल रहा है। So all your songs have it, जी जी जी। मतलब पेटेंट है ये। पेटेंट है। गालिब भी तो अपने बारे में लिखते थे। गालिब का नाम ले लिया सर सर सर। But लोका लोका। लोका अब मतलब काफी क्रेजी है, फुल ऑन वाइब है, यॉट पे डांसिंग है। तो बताओ यार, ये हमेशा यॉट, ग्लासेस, मदिरा, पंजाबी पार्टी, ये मतलब एक ट्रेंड है जो बंद ही नहीं होता है फॉर म्यूजिक वीडियोस। व्हाई? क्योंकि अल्कोहल बंद नहीं होता। अल्कोहल के स्टोर्स बंद हो जाएंगे तो ये बातें भी बंद हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि हर बंदा जो पार्टी करता है तो इन चीजों का तो जिक्र रहता है हर जगह, तो उस तरह गाने में भी लिख दिया जाता है। जब वो गाना लोग सुनते हैं तो और पी लेते हैं। तो ये आई थिंक दोनों वाइस वर्सा है, दोनों साथ चलते हैं। कभी ऐसा हुआ यू एंटर्ड अ क्लब और आप ही का गाना प्ले हो रहा है? नहीं, एंटर क्लब में और प्ले नहीं होता। जब चले जाते हैं तो फिर वो देख के गाना लगाने लगे, तो पागल हो जाते हैं लोग, तो लगाने लग जाते हैं गाना कि इट हैज टू बी अ पार्टी सॉन्ग इफ इट इज यो यो हनी सिंह। बट टेल अस अबाउट लोका लोका, मतलब ये गाना बना कैसे, कैसे डिसाइड किया कि मतलब इसकी मैंने सिर्फ बीट बनाई थी। एक्चुअली मैं 2017 से लेके अब तक इंडिया में काफी सारे स्पेनिश सॉन्ग हैं जो हिट हुए, डैडी यांकी के डेस्पासिटो एंड ऑल दैट स्टफ। तो हमने कहा यार चलो कुछ स्पेनिश यूज करते हैं एज अ हुक। तो लोका हमने वर्ड उठाया, थोड़ा राइम करता है, कोका धोका मौका। तो देखा लेट्स पिक अप दिस वर्ड लोका। तो लोका मींस क्रेजी गर्ल। गर्ल इज आई डोंट नो, आई यूज्ड टू जस्ट सिंग ऐसे ही क्रेजी गर्ल, क्रेजी गर्ल। मैं लोका हूं, मैं लोका। द गर्ल इज सेइंग आई एम गोइंग लोका लोका। हां, सो ये गाना फिर ऐसे बना। और इसके लिए पहले मैंने बीट बनाई, फिर फ्लो आया दिमाग में, फिर ये हुक लाइन आई, तो पूरा कंप्लीट कर दिया इन जस्ट 2 आवर्स। दिस इज सो कूल, इन 2 आवर्स यू वर डन विद द सॉन्ग। तो ये म्यूजिक वीडियो कैसे बना, एंड व्हाई अगेन यॉट्स एंड सो अमेजिंग, लाइक इतने सारी लड़कियां नाच रही हैं आपके इर्द गिर्द? नहीं, क्या होता है कि मेरे गानों को ना विजुअल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नई बातें होती हैं और कुछ ना कुछ वियर्ड बातें होती हैं। अगर मैं आपको गाना विदाउट वीडियो सुनाता ब्लू आईज, तो हम कहते क्या है, कुछ भी है, कभी घर पर चलना है, कभी जाएगी क्लब, ये क्या बोल रहा है। लेकिन आप जब विजुअल देखते हैं उसका, तो कहते नहीं हाँ रिलेट करते हैं। लोका का वीडियो बनाने में हमें तकरीबन 4 महीने लगे। 4 महीने? जी जी। गाना 2 घंटे में बन गया। यही तो मसला है सारा, कि गाना इतना हम बड़ा लिख देते हैं, लाजिंदा लाइव लिख देते हैं, और उसको हम प्रेजेंट नहीं करेंगे, वो तो वाइब कनेक्ट मजा नहीं आएगा, क्योंकि ऑडियो को विजुअल की जरूरत है। तो फिर फाइनल गाना अभी 3 मार्च को रिलीज हुआ है और सबको पसंद आ रहा है। आई नो एवरीबडी इज गोइंग क्रेजी अबाउट इट, बट आई एम गोइंग टू कोट यू, क्योंकि एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि कैसे आर्टिस्ट जो है वो गाड़ी नहीं होते है ना, तो उनके बीच में ये कंपटीशन, ये बेटर है, वो नहीं होता। सो कैन आई से सेफली दैट यो हनी सिंह डज नॉट बिलीव इन कंपटीशन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर आदमी यूनिक है, हर आदमी अपना काम कर रहा है, हर आदमी का कंपटीशन उसका खुद के साथ होता है बजाय किसी और के। ये देखने की बात है कि आप किसी और आदमी को अपने कंपटीशन समझ रहे हो या खुद के अपने बनाए काम को आप कंपटीशन समझ रहे हो। You know, did you also know that Yo Yo Honey Singh, of course, party के गाने बहुत सारे बनाते हैं, but जब बारिश होती है तो इनका मूड भी बदल जाता है। खोया खोया चांद आप गाते हो। मैंने इतना रिसर्च किया सर 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 सर, am I right? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब खोया खो, I can't imagine you singing खोया खोया चांद when बारिश is happening। क्या है कि शेफ हर तरह का खाना बनाता है और हर तरह का खाना खाता है। तो मेरे को यही सोच है कि मैं एक्चुअली मैं वर्ल्ड म्यूजिक सुनता हूँ, गजल हो, कवाली हो, अरबिक म्यूजिक हो, हिप हॉप हो, पॉप हो, सारा म्यूजिक सुनना चाहिए। वो आपकी मर्जी, आपने बनाना क्या है। तो अगर
हम पार्टी सॉन्ग बना रहे हैं और हमें गजल की नॉलेज है तो वो कोई बुराई नहीं है. Absolutely. वो आपको रिफ्रेश कर रही है गजल. तो आप पार्टी सॉन्ग बना रहे हैं. खोया खोया चांद किशोर कुमार के कई गाने देखा एक बार तो ये सिलसिले हुए. ये सब गाने के बिना लाइफ है ही नहीं. Will we ever get to चलो sing it for us यार. नहीं वो इतना मुश्किल गाना है. Singing like इतना पुराना गाना, it is amazing. बहुत मुश्किल है. वो जिन्होंने गाया वो लोगों ने बहुत खूब गाया. हम लोग गाने थोड़ा भी नहीं गुनगुनाओगे. सिर्फ बारिश बारिश हम कैसे बरसाए. तानसेन तो है नहीं. मैं वैसे भी ऑटो ट्यूनर वाला सिंगर हूँ. उनके घर में बच्चे जो है ब्लू आईज गाते हैं. तो अंदर ये जब बातें हो रही थी विद अमिताभ बच्चन के चूहे बिल्ली जिराफ दौड़ रहे थे. सब दौड़ रहे थे. सब दौड़ रहे थे. क्या था मीटिंग प्लीज बताओ. मीटिंग में पूरे कांप रहे थे हम सब लोग. और वीडियो की जब बात हुई तो मेरे को उन्होंने बोला भाई ये ब्लू आइज किसने शूट किया. मैंने कहा सर मेरी टीम है. दे आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे. तो वन गाय इज फ्रॉम कनाडा. रेस्ट पीपल आर फ्रॉम दिल्ली. तो कहते बुलाओ सबको. तो बुलाए सब नर्वस. तो डायरेक्टर बोल रहा सर ऐसा होगा कि गाड़ी आएगी आप होगे. तो मैंने कहा सर मैं ये शूट कर देगा ये समझा नहीं पाएगा आपके सामने. मैं जैसे मैं गाना आपको समझा नहीं सकता मैं आपके लिए कैसे बनाया. वो मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था. और उसी दिन मेरे फादर बहुत तगड़े फैन हैं बच्चन साहब के. तो उन्होंने एक्सक्लूसिव अपने ऑटोग्राफ दिए. वाओ. जो बहुत बड़ी कमाई है. बहुत बड़ी कमाई है वो. तो उनसे सीखा बहुत. सेट पे बहुत कुछ सीखा मैंने सर से. और क्या मजेदार इंसान है वो. बट आपकी कमाई ये भी है कि आप जिससे मिलते हो आप एक इम्प्रेशन छोड़ के जाते हो. चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या फिर इवन अक्षय कुमार. अक्षय कुमार कहते हैं कि योयो को एक टॉपिक दे दो और वो बस मतलब 10 मिनट में लिख के तुमको वो गाना दे देगा. ये कहाँ से आता है. आप क्या जड़ी बूटी खाते हो. बादाम खाते हो चार सुबह. मतलब क्या है. हमारे पास तो वो टैलेंट नहीं है. नहीं मैं आपके पास इतना अच्छा टैलेंट है. जो आप कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता. बहुत मुश्किल काम. सो स्वीट. नहीं बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली. मैं ये कहता हूँ कि दो चीजें हैं जो स्तंभ है एक आर्टिस्ट का. दो पिलर्स हैं. एक आज एक डीजे. अगर ये लोग ना हो तो कितना मर्जी बड़ा गाना हो वो चलेगा ही नहीं. अप्रेजल टाइम. ओके. अक्षय भाई जी मेरे को पार्टी ऑन लाइट के सेट पे बोला ये है तो क्या लिखेगा इसमें. मैं शॉर्ट देके आता हूँ. तो मैंने चार लाइनें लिख दी. तो तब उस वजह से शायद उन्होंने बोला होगा कि ही राइट्स सो क्विक. कभी आज मत बनना क्योंकि यू आर गोना किल इट फॉर अस. मेरे को मेरी रोजी रोटी दे दो. बट वन अमेजिंग थिंग अबाउट लोका लोका इज मैं ना बहुत नोटिस करती हूँ कपड़े स्टाइल और वो सब. पर्पल जैकेट. हाउ कूल इज. किसका आइडिया था ये. डू यू ऑल्सो चूज के यार ये मुझे ये पहनना है. मेरी स्टाइलिस्ट है मिया और उसके साथ मेरी वाइफ कोलैबोरेट करके सारा स्टाइलिंग का काम मेरा देखते हैं. हाँ. तो अगर मैं योयो के घर पे पहुंची और मैंने कबर्ड खोला सबसे ज्यादा चीज क्या मिलेगी. सबसे ज्यादा मिलेंगे जूते. जूते कितना अकाउंट. पता ही नहीं. मतलब अनगिनत. पता ही नहीं कितने हैं. बहुत हैं. हाँ. जूते मिलेंगे और टी शर्ट मिलेंगे. टी शर्ट एंड जूतों का बहुत शौक है. यू नो इतने सारे स्लैंग्स हैं जो आप यूज करते हो इन योर वर्ड्स. लाइक आई थिंक मेरा जो डिक्शनरी है स्लैंग्स का बढ़ गया है थैंक्स टू यू. बिकॉज बाकी वाले तो समझ में नहीं आते. बट ये कहाँ से पैदा होते हैं. क्या ये होता है इन द फ्रेटर्निटी. पीपल हु रैप. पीपल हु व्हाट इज इट. लोगों का मुझे पता नहीं वो लोग कैसे स्लैंग्स पिक करते हैं. लेकिन मेरी टीम में तीन चार लड़के हैं जो यंग हैं बिल्कुल 20 साल के 22 साल के. हाँ. तो वो मुझे अपडेटेड रखते हैं क्योंकि उम्र भी अब ज़्यादा हो गई है मेरी. तो नए वो कैब के लिए और स्ट्रीटेड वो कैब के लिए मैं आज भी दिल्ली में घर के आसपास स्ट्रीट फूड खाने जाता हूँ. पुराने यारों दोस्तों से मिलता हूँ जो लोग म्यूजिशियन नहीं. यू डू दैट नाउ. इट्स पॉसिबल. हफ्ते में तीन दिन. अलग गाड़ी में जाते हैं. काली शीशे छुप के जाते हैं. पुराने दोस्तों के साथ मिलते हैं आज भी. वो लोग म्यूजिशियन नहीं है कुछ नहीं लेना देना उनका इंडस्ट्री से. लेकिन उनका जेन्युइन रिव्यू मिल जाता है. यार ये गाना अच्छा है. यार ये गाना मत बनाना बकवास है. तो बोल देते हैं मुंह पे. हाँ मुंह पे बोल. टुडे इट इज महानी सिंह का स्कूल ऑन फिल्मी मिर्ची. ऐसे तीन वर्ड्स बताओ हमें विद मीनिंग्स. स्लैंग. स्लैंग. कहर. 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 उर्दू में वर्ड है कहर. हाँ. लेकिन पंजाबी बोलते हैं कहर. कहर. तो क्या होता है कहर. कहर मतलब तबाही. तबाही मतलब कहर मचा दी. कहर मचा दी. अच्छा नाइस. एक होता है अत. अत का मतलब हाइट. इज द हाइट ऑफ इट. अत. 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 भी ये तो अत है मतलब कि इट्स अप टिल चरम शिखर. चरम शिखर. वाह आज मैं किल करती जा रही हूं. ओके अत. अत हो गया. सिरा. सिरा क्या होता मतलब है. मतलब वो भी इन आसपास एक ही वर्ड होता है. हाँ. मतलब अत जैसा ही वर्ड है. सिरा मींस लाइक पीक. पीक. सिरा. वाह ये केक सिरा. सिरा. सिरा.
बनाना है बट सिरा है. अमेजिंग, आई लव इट.